अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पाक शाइन। आज बहरीन में एशिया क्रिकेट काउंसिल का इजलास होने जा रहा है। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के सरबरा नजम सेठी, एशिया क्रिकेट बोर्ड के सरबरा जेशा एक दूसरे के मद्दे मुकाबले होंगे। इंडियन मीडिया ने इजलास शुरू होने से पहले प्रोपोगंडा शुरू कर दिया है कि इंडियन टीम एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं जाएंगी, या तो आप वेन्यू चेंज करें वरना तो पाकिस्तानी से मेज़बानी वापस लें। नजम सेठी अपने मौकिफ पे कायम है कि हमसे मेज़बानी नहीं गई या वेन्यू चेंज कराया गया तो पाकिस्तान एशिया कप से दस्तबरदार हो जाएगा। इंडियन मीडिया ने रोना धोना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान अपने पूल के मैचेस पाकिस्तान में खेले और इंडिया अपने पूल के मैचेस यूएई में खेल लें। रवा साल वनडे वर्ल्ड कप इंडिया में खेला जाएगा। इंडिया अपने पूल के मैचेस इंडिया में खेल लें और पाकिस्तान अपने पूल के मैचेस यूएई में खेल लें। एक बार फिर से पाकिस्तान को साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही है, पर इंडियंस को याद नहीं है कि पाकिस्तानी टीम एशिया कप का फाइनल भी खेली और टी20 वर्ल्ड कप का भी फाइनल खेली और आईसीसी के बड़े अवार्ड भी पाकिस्तानी क्रिकेटरों के नाम रहे हैं। तो वन डॉलर टीम को भी याद होना चाहिए कि वो अपने दो दफ़ा मैच हारी है 10-10 विकेटों के साथ, वो भी अपने टॉप प्लेयरों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।